गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। देखिए, हमने आपको कल कोलराउस नियम पढ़ाया था, उसी आधार पर आज हम आपको ये न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, या उसी के आगे देखेंगे। आज हम आपको पार्ट 7 पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एक दुर्बल अम्ल के 0.04 N यानी नॉर्मल विलयन की विशिष्ट चालकता 4.23 × 10⁻⁴ मोल सेंटीमीटर इनवर्स है। इस तंत्र पर अम्ल के वियोजन की मात्रा 0.0612 है। अनंत तंत्र पर दुर्बल अम्ल की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता जो दी गई, देखिए इसमें नॉर्मलता दी गई है 0.04 है, ठीक है ना। और तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से लिखते हैं, थोड़ा ऐसा घुमा देते हैं। ये कप्पा होता है 4.23 × 10⁻⁴ मो सेंटीमीटर इनवर्स। इस तंत्र पर अम्ल के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को अल्फा से नोट करते हैं 0.612, ठीक है। अनंत तंत्र पर दुर्बल अम्ल की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, यानी कि लैम्डा वी अनंत आपको ज्ञात, ठीक है ना। क्या करते हैं, सूत्र होता है लैम्डा वी बराबर कप्पा इंटू 1000/C या फिर एन, ठीक है ना। सी सांद्रता के पदों में होता है, एन नॉर्मलता के, हमारा सवाल यहाँ पर एन नॉर्मलता के पदों में, तो एन होगा। समझाई बात की नहीं, यहाँ पर सी भी हो सकता है कब, लेकिन जब यहाँ पर नॉर्मलता ना लेकर के सांद्रता में। तो कप्पा का मान है हमारा 4.23 × 10⁻⁴ × 1000/0.04, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो हम ना हट जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, या चार से इसको काट लो 250 हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसा करो ना काटो और सस्ता कर लेते हैं 0.04, ये हो जाएगा आपको 1000। ये माइनस के चार, ये प्लस के तीन घट जाएंगे, 423 × 10⁻¹⁴। 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 × 4 भाग में जाने की बिंदी, और 4×5 = 20, 423 दशमलव लगाए, 428, 4×5 = 20, ठीक है। इंटू 10⁻¹⁰, माइनस वन को पावर हटाएंगे तो 10.575, ये आपको लैम्डा भी आ जाएगा, ठीक है ना। मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका आंसर होता है लैम्डा, ठीक है। आप जानते हैं ये आपका लैम्डा भी आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, लैम्डा आना, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अल्फा बराबर, सूत्र होता है हमारा अल्फा बराबर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा अनंत, हमें निकालना है लैम्डा अनंत, तो ये हो जाएगा लैम्डा वी अपॉन अल्फा। लैम्डा वी का मान आ गया ये 10.575, अपॉन अल्फा का मान है 0.0612। अब दशमलव के चार अंक है, तीन अंक है, एक जीरो बढ़ा के बराबर कर लिया, ये इतना कर लिया, ठीक है। अब इसमें भाग देना है, चलिए देखिए, ये आ गया 1,05,750/612, 612 का भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक के विभव तथा उसमें बहने वाली धारा, तथा उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध में अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। किसी चालक के विभव तथा उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध में अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। अब माना कि चालक का विभव V है, उसमें बहने वाली धारा I है और प्रतिरोध R, इन दोनों में ये संबंध सिद्ध होता है। आपने लिखा कि किसी चालक के विभव यानी V तथा उसमें बहने वाली धारा I और प्रतिरोध में अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है, तो V बराबर I, जहां V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध, ठीक है। आगे आता है प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं, तो परिभाषा बनती किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती। अब अगर यहाँ पर हम डेरिवेशन सिद्ध करेंगे तो R समानुपातिक है, उसने कहा किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, तो R समानुपातिक L तथा उसके क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को हम A से प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे A
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एल अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है ना। अभिवासन में किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के अनुपाती तथा उसके क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि आर बराबर हम लगा देते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ेंगे जिसे कहते हैं रो, क्या कहेंगे रो, इसे थोड़ा तिरछा पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं एल अपॉन ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला बनता है। अगर हम यहाँ पर रो इज इक्वल टू पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा चलो इतना हो गया। फिर नीचे नोट करते हैं यदि एल बराबर वन तथा ऐसा करो एल बराबर वन तो ए बराबर वन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी अगर क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर है, वो लंबाई सॉरी लंबाई एक सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमारा वन सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का मान रख देते हैं तो ये हो जाता है आर बराबर रो, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इस आधार पर एक डेफिनेशन बनती है, क्या है कि अभी देखते हैं, चलिए आगे देखें। तो हमारा सिद्ध हुआ था आर बराबर रो, ये रो क्या है, जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अतः परिभाषा बनती कि किसी एकांक लंबाई तथा एकांक लंबाई मतलब वन होनी चाहिए तथा एकांक क्षेत्रफल यानी वन के सुचालक का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या कह सकते हैं उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। समझाए, अगर लंबाई और क्षेत्रफल एकांक है तो चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आगे देखें, चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग आती है चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा सी बराबर वन अपॉन आर, ठीक है ना, ये बन गया सी बराबर वन अपॉन आर हो गया। क्यों कह रहा है, क्योंकि व्युत्क्रम व्युत्क्रम अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स ये इसका मात्रक। फिर रेडिंग है विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता क्या बोलता है तो सामान्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अब विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रो, ठीक है ना, वन अपॉन रो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। अब आप जानते हैं पीछे आपने अभी डेरिवेशन पढ़ा कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो ये हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब इस रो का मान यहां पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर ए अपॉन एल, कप्पा इक्वल टू तो एल का आ जाएगा ऊपर, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर ए। तो अगर हम इसको एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया और भी थोड़ा सा, तो कप्पा इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू वन अपॉन आर बराबर होता है सी के, तो सी इंटू एल अपॉन ए, एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अब इसका मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता हो गई। चलिए आगे देखें, रेडिंग है तुल्यांक की चालकता। परिभाषा बनती किसी विद्युत अवघट के उस आयतन की तुल्यांकी चालकता, किसी विद्युत अवघट के उस आयतन की तुल्यांकी चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट घुला हो, कितना हो एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट घुला हो उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार दोहराएंगे, किसी विद्युत अवघट के उस आयतन की तुल्यांकी चालकता जिसमें एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट घुला हो उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते
है। तो सूत्र बनता है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ठीक है ना। क्योंकि आयतन अगर हमारा नॉर्मलता के पदों में है तो 1000 अपॉन एन, और अगर संगतता के पदों में है तो 1000 अपॉन सी बन जाएगा, ठीक है ना। इतना बनेगा। अब हम अगर इस सूत्र को रख देते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगर हमारा सवाल नॉर्मलता के पदों में है, सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात की गई है, तो ये हो जाएगा, और ग्राम प्रति लीटर में है तो सी बन जाएगा। आज में कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रक, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स, ये होगा इसका मात्रक। अभिभाषण में अगली हेडिंग देखें। आगे आपकी अगली हेडिंग आती है मोलर चालकता। परिभाषा बनती किसी विद्युत अवघट के उस विलयन की चालकता, किसी विद्युत अवघट के उस विलयन की चालकता जिसमें एक ग्राम अणु विद्युत अवघट गुलाव, एक ग्राम अणु विद्युत अवघट गुलाव आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। फिर से देखिए एक बार, किसी विद्युत अवघट के उस विलयन की चालकता जिसमें एक ग्राम अणु विद्युत अवघट गुला हो आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू वी, ठीक है ना, कप्पा इंटू वी। अभी आपने पढ़ा था चूंकि वी इक्वल टू 1000 अपॉन एम मोलरता के पद में, ठीक है ना, इक्वल टू 1000 अपॉन सी सांद्रता के पद में, ठीक है ना। इन मानों को अगर हम शुद्ध में रखें तो म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम जब मोलरता का पद होगा तो यहां से सूत्र को निकाल लेंगे, और जब सांद्रता का पद होगा तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता, ठीक है ना। इससे हम किसी भी विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं।